इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2 फरवरी 2022 के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी का वायरल ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और ये इसमें हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और ये 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग भी 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक अल्फा म्यू बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अल्फा म्यू बी इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू बी हो जाएगा। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा। आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, साथ ही साथ आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू आई का एक लेंस रखा हुआ है, लेंस पर समांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज भी समांतर रहती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो बताइए म्यू एम और म्यू आई में सही संबंध क्या है। तो दो का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो सी हो जाएंगे, ठीक है, म्यू एम इक्वल टू म्यू आई हो जाएंगे, ठीक है, दो का सी हो जाएंगे, याद रखिएगा, ओके। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक माध्यम का अपवर्तनांक रूट टू है, इसका संगत क्रांतिक कोण होगा, कितना होगा बताइए आप लोग। 3 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, 45 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को कई एक बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं, ठीक है। 4 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आभासी और बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में, बिल्कुल आपका सेंटअप एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, चाहे आपका सेंटअप एग्जाम 12th का किसी भी दिन हो, ठीक है, फिजिक्स का पेपर में आपका सेम ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा ये पहले ही क्वेश्चन लीक कर दिया गया है, ठीक है, और सभी स्कूल कॉलेज अपने अनुसार ले रहे हैं, तो जो स्कूल कॉलेज में पहले हो रहा है तो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर मिला लीजिए, और जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, तो पढ़ लीजिए पूरा। तो देखिए 5 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, 5 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कला पथांतर इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इनटू 1y पथांतर हो जाएंगे, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 5 का, ओके, याद करते चलिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गोलाकार तरंगाग्र जो कि तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है, 6 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिंदु स्रोत हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट सोर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है, 7 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तरंग दैर्ध्य हो जाएंगे, ठीक है, वेवलेंथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष हटाया जाता है, 8 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दूरदृष्टता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ ए और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ डब्ल्यू के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, बताइए आप लोग, प्रयोग किया गया है, 9 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 2FA हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, 10 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, घटता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि विभव प्रणता का एसआई मात्रक एसआई यूनिट पूछा गया है, बताइए आप लोग। तो देखिए 11 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 11 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना, एफएम इनवर्स, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स डी लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जो कि डॉट वाला रहेगा, ठीक है, ये तो डॉट है, ठीक है, 11 का सही ऑप्शन नंबर से डी होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें डॉट है, जो भी डॉट है उसको पहले आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग सेंटअप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का सही आंसर लगाइएगा इसका, ठीक है, बाकी आपको कंफर्म मिलेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन नहीं किया है, जल्दी में कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 12 का अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश Q- के लिए एसआई मात्रक में विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन सही है, 12 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओके, Q- की एप्सिलॉन नोट हो जाएंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नोट हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण वेक्टर पाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो 13 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वेक्टर पाई इक्वल टू वेक्टर पी गुने वेक्टर ई हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। 14 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1/2 CV² हो जाएंगे, याद रखिएगा। और चैनल पे नए हैं, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 12th बोर्ड परीक्षा का भी तैयारी चल रहा है। इस तरह से आपका सेंटर एग्जाम का सभी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इस चैनल पे मिलता रहेगा। ओके, तो 15 का सही ऑप्शन नंबर हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 14 का क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा 14 का ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, निर्वात के लिए प्रवैद्युत स्थिरांक होता है। 15 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट पूछा गया है, ठीक है, तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट एसआई मात्रा क्या हो जाएंगे। 16 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओम मीटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ओम के नियम की सदिश निरूपण है। 17 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वेक्टर जे इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएंगे, वेक्टर ई हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ओम के नियम के सदिश निरूपण है, तो ओम के नियम के सदिश निरूपण है, 17 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप लोग लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है, मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन कंफर्म कर चुका हूं। ओके, देखिए पूछा गया है येलो कलर कोड ऑफ कार्बन, जो कि रेसिस्टेंस इज ऑफ वैल्यू, तो आपको बता चुके हैं कि 18 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 4 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है, तो 4 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन कई एक बार कंफर्म कर चुका हूं, यहां पर 19 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड हो जाएंगे। ओके, चलिए 20 में है, प्रतिबाधा निरूपित करता है, 20 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विद्युत वाहक हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव यहां पे फोर्स हो जाएंगे। चलिए 21 में है, श्रेणी क्रमिति एल माइनस आर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है, मैं आप लोगों को ये कई एक बार कंफर्म कर चुका हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, आर वाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ओके, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 22 में है, दिए गए चित्र में आई का मान निम्नलिखित में कौन है, 22 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओके, आई इक्वल टू 2a हो जाएंगे। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 में, एक सीधे अंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। 23 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ओके, बी इक्वल टू जो कि, चलिए यहां पे 23 का सही ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएंगे। ओके, बी इक्वल टू हो जाएंगे म्यू नॉट आई बाय 2πr हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, 24 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, इंडिफिनिट हो जाएंगे। ओके, चलिए 25 में, जो कि तप्त तार ए मीटर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा कौन मान मापा जाता है, 25 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मूल औसत वर्गमान हो जाएंगे। ओके, यहां पर रूट मेन स्क्वायर वैल्यू हो जाएंगे। चलिए 26 में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कौन सा संबंध सही है। 26 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, W इक्वल टू एम बी और यहां पे ब्रैकेट 1 cos θ हो जाएंगे। 27 में चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स में आप लोगों को कंफर्म कर चुका हूं, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे। ओके, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। चलिए 28 में, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, नमन कोण होता है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डीप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज,
तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, यहाँ पे नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 28 का, बी हो जाएंगे 90 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा ओके। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 29 में एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थित में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है, तो 29 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1:2 हो जाएंगे ओके। चलिए 30 में निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है, तो 30 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एकल चुंबकीय ध्रुव हो जाएंगे ओके, सिंगल मैग्नेटिक पोल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, फोटोन की ऊर्जा होती है, 31 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे HV22C हो जाएंगे। चलिए 32 में निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है, 32 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे फोटोन कण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन तरंग संख्या के बराबर होता है, 33 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एन लेमडा हो जाएंगे। चलिए 34, एक परमाणु और यहां पे 235 है और 38 और यहां पे यू में न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है, तो 34 का देखिए 34 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, लॉजिक गेट है बताइए आप लोग, देखिए 35 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एंड और नॉट हो जाएंगे ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं हो पाया कवर ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग या तो पीडीएफ में आपको सही से मिल जाएगा। चलिए 36, 1+1 का द्विधारी योग हो जाएगा, देखिए बाइनरी एडिशन से पूछा गया मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन, 36 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ओके 10 हो जाएंगे। चलिए 37, लॉजिक संकेत ये जो दिया गया है ये संकेत निम्नलिखित में कौन सही है बताइए आप लोग, ये लॉजिक गेट से है ये किसका संकेत है बताइए, तो आप लोग 37 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ओके। बाई इक्वल टू ए इंटू बी, ऊपर में बार लगा हुए, मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं ठीक है, ये आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटू बी ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा इक्वल टू बाई ओके, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में एक मूल कण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो 38 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अल्फा कण हो जाएंगे याद रखिएगा। चलिए 39 में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल समान होती है, 39 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सभी तरंग धैर्य के लिए सभी माध्यमों के लिए सभी तीव्रताओं के लिए, तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ठीक है। 39 का थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा आंसर ओके। चलिए 40, जो कि बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति FMAX ठीक है FMAX और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम आवृत्ति FMIN बीच संबंध है, तो बताइए आप लोग सही ऑप्शन नंबर बी होगा ना 40 का, 40 का भी आप लोग देख लीजिएगा ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का भी देखना पड़ेगा, जो कि प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में कौन है, 41 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का विवरण, प्रकाश का अपवर्तन बताइए आप लोग सिद्धांत, तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना याद रखिएगा ठीक है, थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 42 में दशमलव, जो कि 15:10 का द्विधारी तुल्यांक होता है, द्विधारी मान कितना हो जाएगा 15:10 का, 42 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 11:11:2 हो जाएंगे ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता चुका हूं। चलिए 43, 1 नैनो कूलम बराबर होता है, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू, तो 43 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 10 जो कि 10^-9 कूलम हो जाएंगे। 44, आवेश का रैखिक घनत्व का SI यूनिट पूछा गया है, तो 44 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे CM इनवर्स हो जाएंगे। 45, एक आवेशी चालक की सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, 45 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, चालक की धारिता और इसके क्षेत्रफल के बीच संबंध होता है, 46 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 47, आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होती है, 47 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 47 का शायद ए हो जाएंगे ना याद रखिए, कई सारे स्टूडेंट्स बी मारे लेकिन ए होगा ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में, जो कि संधारित्व के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, 48 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विभवांतर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 49 जो कि व्यतिकरण, व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। 49 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएंगे, बी इक्वल टू डी लेमडा बाई डी हो जाएंगे। चलिए 50 एक किलोवाट घंटा बराबर होता है, एक किलोवाट घंटा बराबर होता है, 50 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 3 इंटू जो कि 6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसका पीडीएफ और आंसर आप लोग डायरेक्टली चाहते हैं, ठीक है, उसमें आपको एक भी गलती ना रहे तो आप लोग हमारे वेबसाइट BSEstudy.com पर जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा सारा का पीडीएफ, ठीक है, जितना भी आपका सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा उसका पीडीएफ और उसका आंसर भी मिल जाएगा, और इसका भी मिल जाएगा, जाकर के आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में जो कि मध्यमा निरूपित करता है, 51 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गति की दिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, 52 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक्स एल इक्वल टू 1 वाई ओमेगा एल हो जाएंगे। चलिए 53, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है, 53 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 54, निम्नलिखित में किस उपकरण के साथ जो कि ताम्र क्षय जुड़ा होता है, 54 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ओके ट्रांसफार्मर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए 55 में है, जल होता है, 55 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चुंबकीय पदार्थ नहीं, नॉट मैग्नेटिक हो जाएंगे। चलिए 56, एक्स किरणों के लिए तरंग दैर्ध्य जो कि प्रास होता है, 56 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओके याद रखिएगा। चलिए 57, वर्ब का जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, 57 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य समायोजन में नली की लंबाई होती है, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएंगे ना, मैं आप लोगों को कई एक बार बता चुका हूं, 58 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 59 में वन विक्षेपण क्षमता होती है, जो कि यहाँ पे 59 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ओमेगा इक्वल टू जो कि यहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन हो जाएंगे, ओके। चलिए 60 में प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, 60 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, एजेड एक्स नाभिक में ए होता है, 61 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, द्रव्यमान संख्या हो जाएंगे, मास नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यू बराबर होता है, 62 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 जो कि 6605 गुने 10 टू द पावर 26, सॉरी यहाँ पे 27 केजी हो जाएंगे। 63, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, 63 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 64, निम्नलिखित में कौन एक सही है, तो 64 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 65, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है, 65 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओके 65 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है, फाइ इक्वल टू यहां पे 2n प्लस 1 पाई हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 66 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ओके 10 का पावर 9 सीवी हो जाएंगे। सरसेट रेडियो एक्टिव का कार्यफलन होता है, 67 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2.75 ईवी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, नॉर गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, जो कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेंट फॉर नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट के लिए कौन सा सही हो जाएंगे बताइए आप लोग, 68 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ए प्लस बी ऊपर में बार लगा हुआ है इक्वल टू बाई, ठीक है, या तो ऐसे भी आपको रख सकता है, बाई इक्वल टू ए प्लस बी ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, 69 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओके बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी, ओके तो इस तरह से सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70, सामान्य ताप पर अपवाह
वेग लगभग होता है। 70 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि 10 का पावर माइनस 4 एमएस इनवर्स हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर लिए हैं, और इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट BSEstudy.com पर जाकर के ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, जाइए ठीक है, और आपको कुछ दिन में ये सब्जेक्टिव भी कंफर्म करा दिया जाएगा, यानी इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा, ताकि आपको फाइनल परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड से 2022 में एग्जाम देंगे उनका सेंटअप एग्जाम है, तो सेंटअप एग्जाम में फिजिक्स का यही क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, यहां से देखिए 2 से 3 ऑब्जेक्टिव गलत हुआ होगा, मुझे मालूम है। ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको तो वेबसाइट पे सुधार करके मिल जाएगा। फिलहाल जो भी चैनल पे नए हैं, वीडियो को नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको 70 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सबसे पहले दिए हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।